बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर अपने दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरे हुए हैं। विवाद बढ़ता देख खुद सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर अपने बयान को वापस लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने सदन के अंदर भी अपने बयान के लिए माफी मांगी है। माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यही कुछ बात का और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण और महिला पुरुष संबंधों पर भाषण दिया था। इस दौरान उनके संबोधन पर जबरदस्त हंगामा मच गया। सीएम नीतीश ने जनसंख्या के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़ों के शारीरिक संबंध पर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दे दी। इस पर बीजेपी विधायकों ने, खास तौर पर महिला विधायकों ने आपत्ति जताई। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा, और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नीतीश के विवादित बयान के बाद बीजेपी की महिला विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भाषण के बीच ही सदन से बाहर आकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार को घेरा। आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है, तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को ना मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोगों को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई, और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही हूँ, सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष थे, हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई, और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई, और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी है। नीतीश कुमार जी इस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हैं, आज उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कोई नैतिक आधार नहीं है अपने पद पर बने रहने का, इस प्रकार की टिप्पणी करके, और आधी आबादी मतलब 50% लोगों को इतना बड़ा ठेस पहुंचाकर इस पद पर बने रहने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी चर्चा में रही। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। इस तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन।
वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिहार की 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई हैं। नीतीश कुमार जी का हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप बुजुर्ग हैं, आप जो है बातों की चीजों को ध्यान में रखे, वो क्या बोल रहे थे। पूरे बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है, जब तक हम लोगों के साथ थे तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोगों से, क्या हो गया है। ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये विवाद माफी मांगने के बाद शांत होगा या फिर बिहार की गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।